वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी ADCA की क्लास नंबर 4। ओके, सो यहाँ पे क्लास नंबर 4 में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेट एंड ईमेल के बारे में। क्लास नंबर जो 1 थी उसमें मैंने आपको ADCA का कंप्लीट सिलेबस बताया। क्लास नंबर 2 में हमने कंप्यूटर फंडामेंट सीखे थे। क्लास नंबर 3 में हमने विंडो 10 के बारे में सीखा था। जैसे कि आपको मैंने बताया था विंडो XP एंड विस्टा हम नहीं सीखेंगे, उसकी जगह हम लेटेस्ट विंडो सीखेंगे जो थी विंडो 10। ओके, तो क्लास नंबर 3 में हमने विंडो 10 के बारे में सीखा। अब ADCA की आ चुकी है क्लास नंबर 4। इस क्लास में हम सीखने वाले हैं इंटरनेट एंड ईमेल के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे इंटरनेट किस किस कामों के लिए यूज होता है, उसके बाद हम ईमेल अकाउंट बनाना सीखेंगे एंड वहां से किसी और को ईमेल कैसे हम सेंड करें वो भी सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पे हम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करके रखा है। इंटरनेट हम किस किस चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, आज के टाइम पे हर काम में इंटरनेट का यूज़ होता है। चाहे वो घर पे बैठे बैठे कुछ खाना ऑर्डर करना हो या फिर कोई आपका मोबाइल पे वीडियो देखना हो। आप ये मेरा क्लास देख रहे हैं, ये कैसे देख रहे हैं, ये आप इंटरनेट की मदद से ही मेरी क्लास देख पा रहे हैं। सेम इसी तरह से आजकल हमारी पूरी लाइफ में इंटरनेट ज़रूरी हो चुका है। इनफैक्ट यहाँ तक गवर्नमेंट ने भी हमारे फंडामेंटल राइट में इंटरनेट को दे दिया है कि हर इंसान का फंडामेंटल राइट है इंटरनेट यूज करना। ओके, सो यहाँ पे इंटरनेट हम किस किस कामों के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले काम स्टडी, जो अभी हम कर ही रहे हैं, स्टडी के लिए इंटरनेट यूज हो रहा है। जैसे कि हमको पता ही है कि 2019 में जो COVID-19 महामारी आई थी तो वहां से हमारा पूरा देश बंद हो चुका था, पूरी दुनिया एक टाइम पे शट डाउन हो चुकी थी, लॉकडाउन हो चुकी थी। तो ऐसे टाइम पे जब हम अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, इनफैक्ट अगर हम इन्फेक्टेड हैं तो हम अपने रूम से भी बाहर नहीं निकल सकते, तो ऐसे टाइम पे हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? ऐसे टाइम पे हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो बचता है इंटरनेट का। तो इंटरनेट के माध्यम से ही हम वहाँ पे पूरी दुनिया से जुड़ सकते थे, क्योंकि हम घर से तो बाहर नहीं निकल सकते ऐसी महामारी में। तो उस महामारी के दौरान हम इंटरनेट की मदद से अपने दोस्तों से मिल सकते थे, दोस्तों से बातें कर सकते थे एंड वहां पे हम वीडियो कॉल कर सकते थे। तो पहली बात हो गई पढ़ाई, सेकंड आ गया कम्युनिकेशन। तो हम बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, किसी को SMS भेज सकते हैं। ओके, तीनों कम्युनिकेशन के ही टाइप हैं। तो स्टडी के लिए किस टाइप से यूज कर सकते हैं, हम वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, किसी के साथ हम लाइव कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। लाइव कॉन्फ्रेंस कम्युनिकेशन एंड स्टडी दोनों में काउंट किया जाता है। ओके, उसके बाद जैसे कि इंटरनेट के आजकल हर जगह यूज है, चाहे वो हमारा मोबाइल रिचार्ज करना हो या फिर मोबाइल ऑनलाइन परचेज करना हो, हम कैसे करते हैं इंटरनेट की मदद से। ऑनलाइन हमें कुछ सामान मंगाना हो, इनफैक्ट कोई खाना भी मंगाना हो, तो खाना भी हम आजकल इंटरनेट की मदद से घर पे डायरेक्ट मंगा सकते हैं। तो इंटरनेट ने हमारी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया है। सो ये तो बेसिक इंटरनेट के यूजेस हो गए। एंड इसके बाद आपको कहीं बाहर ट्रैवल करने के लिए जाना है तो ट्रेन की टिकट या फिर फ्लाइट में सीट बुकिंग या फिर कैब बुकिंग, ये सब भी आप इंटरनेट की मदद से कर सकते हैं। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं जिसका लाभ आप इंटरनेट की मदद से उठा सकते हैं। इन गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जहां पे जाके आप स्कीम भी देख सकते हैं कि गवर्नमेंट आपके लिए क्या क्या काम कर रही है। सो चलिए ये बात हो गई इंटरनेट की, अब आगे बात करते हैं ईमेल की। ईमेल हम कैसे बनाते हैं, कैसे उसे यूज करते हैं, तो बेसिकली इस क्लास में हम वही सीखेंगे। तो हम जो ईमेल बनाने वाले हैं वो होगा गूगल का मेल, मतलब लास्ट में उसका जो एक्सटेंशन लगेगा वो लगेगा @gmail.com। तो जीमेल का हमें बनाना है तो सबसे पहले गूगल ओपन कर लीजिए। गूगल ओपन करने के बाद साइड में आपको यहाँ पे जीमेल का ऑप्शन दिख रहा होगा। जीमेल के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ इस टाइप का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप सभी के सामने कुछ इस तरह का पेज ही ओपन होगा, चाहे आप मोबाइल में इसे ओपन करें या फिर अपने PC या लैपटॉप में इसे ओपन करें, ऐसा पेज ओपन होगा। साइड में आपको क्रिएट अकाउंट का एक ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने तीन ऑप्शन आ जाते हैं, फॉर माई सेल्फ, फॉर माई चिल्ड्रन या फिर टू मैनेज माई बिजनेस। तो तीनों टाइप के आप ईमेल अकाउंट यहाँ पे बना सकते हैं। माई सेल्फ का मतलब होता है कि मेरे खुद के लिए पर्सनल मैं ईमेल आईडी बनाना चाहता हूँ अपना। फॉर माई चिल्ड्रन, फॉर माई चिल्ड्रन मेरे बच्चों के लिए मैं बनाना चाहता हूँ। एंड उसमें क्या होगा कि आप उसमें गार्डियन, ऐसे गार्डियन भी वर्क कर सकते हैं
कि आप देख सकते हैं कि आपका बच्चा किस किस चीज में इन्वॉल्व हो रहा है, कहाँ कहाँ पे उसका मेल सब्सक्रिप्शन है, तो वहां पे आप उसके ऊपर एक ऐसे नजर रख सकते हैं। एंड द थर्ड ऑप्शन आ जाता है टू मैनेज माई बिजनेस। तो अगर आपका कोई स्मॉल बिजनेस है या फिर लार्ज बिजनेस है तो गूगल वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने बिजनेस के लिए भी एक ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली पर्सनल ईमेल आईडी बनाने वाले हैं, तो माई सेल्फ मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे अब आपको अपना नाम लिखना है, आपको सरनेम लिखना है। तो यहाँ पे हम एक डेमो नाम लिख देते हैं, तो डेमो नाम में हम लिख देते हैं यश एंड सरनेम में लिख देते हैं शर्मा। ओके, तो यहाँ पे एक डेमो नाम मैंने लिख दिया है। उसके बाद जैसे मैंने नाम लिखा तो यहाँ पे मेरे पास यूजर नेम ऑटोमेटिकली गूगल ने सजेस्ट किया है कि आप इस यूजर नेम को अपना ईमेल आईडी बना लीजिए, जैसे कि यहाँ पे yash24738@gmail.com। ओके, तो यहाँ पे जो एक्सटेंशन है @gmail.com वो चेंज हम नहीं कर सकते क्योंकि हम यहाँ पे गूगल की मदद ले रहे हैं अपना ईमेल आईडी क्रिएट करने के लिए, तो गूगल अपना वहाँ पे ब्रांडिंग देगा, तो यहाँ पे हम इसे चेंज नहीं कर सकते। पर अगर आप चाहें कि आपको खुद को अपना पर्सनल कुछ चाहिए तो अपनी वेबसाइट के थ्रू भी आप वहां से अपना पर्सनल यहाँ पे नाम ले सकते हैं। ओके, तो वो थोड़ा चार्जेबल रहता है, यहाँ पे अभी फ्री में मिल रहा है तो हम इसे रख लेते हैं। मोस्टली अप्रोक्स पूरे वर्ल्ड में 60-70% लोग जीमेल का ही ईमेल आईडी यूज करते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ईमेल आईडी मिल जाता है, वो भी एड फ्री। मोस्टली बहुत सारे लोग हैं जो ईमेल आईडी फ्री देते हैं लेकिन उनके ईमेल में एड आती है, तो एड बहुत ही हमारा टाइम वेस्ट करती है, तो यहाँ पे एड फ्री ईमेल आईडी गूगल ही देता है। सो यहाँ पे यस 24738 सजेस्ट किया है तो वही रख लेते हैं, अदरवाइज आप अपना खुद का भी नाम कोई यहाँ पे रख सकते हैं, खुद के मनपसंद का यूजर नेम आप रख सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि एक यूजर नेम अगर किसी इंसान को अलॉट हो जाता है तो सेम यूजर नेम कभी किसी और को अलॉट नहीं करते हैं। ओके, वन यूजर नेम हमेशा वन पर्सन को ही अलॉट होता है। तो यहाँ पे जो यूजर नेम है, फॉर एग्जाम्पल यस वन कर देता हूँ मैं, तो अभी गूगल ने यहाँ पे एरर दिखा दिया, सॉरी योर यूजर नेम मस्ट बी बिटवीन 6-30 कैरेक्टर। ओके, 6-30 कैरेक्टर कर देते हैं, 1-2 कर दिया। ओके, तो यहाँ पे एक एरर आ जाती है कि योर यूजर नेम इज टेकन, ट्राई अनदर। तो ये यूजर नेम ऑलरेडी किसी और को अलॉट हो चुका है, इसलिए ये वाला यूजर नेम हमें गूगल प्रोवाइड नहीं कर सकता है, तो इसकी जगह हम कोई और यूजर नेम कर सकते हैं। तो मैं लास्ट में 1-7 कर देता हूँ मे बी, तो यहाँ पे ये यूजर नेम भी किसी ने ले लिया है, तो 1-7-8-9 कर देते हैं। ओके, यहाँ पे ये भी यूजर नेम किसी ने लेके रखा है। तो बेसिकली आपको कुछ ऐसी चीज सोचनी है जो लोगों ने ना ली हो, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ शर्मा 89। ओके, 88 कर देते हैं, 89 कर देते हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे ये किसी ने लिया हुआ नहीं है, तो आप भी इस टाइप से अपना कुछ यूजर नेम सोच सकते हैं। तो ओके, सॉरी ओनली कैरेक्टर अलाउ, तो यहाँ पे इसे निकाल देते हैं, डॉट लगा देते हैं, डॉट से में भी यहाँ पे ये भी टेकन है, तो 8907 कर देते हैं। सो यहाँ पे ये यूजर नेम के मोस्टली सभी यूजर नेम टेकन है, तो हम गूगल को ही बोल देते हैं कोई एक अच्छा सा यूजर नेम हमको बता दे। तो अवेलेबल जो यूजर नेम है वो है 70446, तो यही हम यूजर नेम रख लेते हैं, क्योंकि जैसा आपको मैंने बताया पूरे वर्ल्ड में 60-70% लोग अपना अकाउंट ईमेल अकाउंट गूगल पे बनाते हैं, तो इतनी सारी पब्लिक है, करोड़ों 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 पब्लिक हैं पूरे वर्ल्ड में, तो उसमें से अगर 60% लोग भी गूगल पे अकाउंट बनाते हैं तो आप सोच ही सकते हैं कितने लोगों ने बना के रखा होगा एंड कितने सारे करोड़ों लोग सेम नाम के पर्सन होंगे। ओके, तो यहाँ पे अब हमें कोई पासवर्ड रखना है तो पासवर्ड हम अपनी पसंद से कुछ भी रख देते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने डाल दिया 5-6-4-1-2-3, उसके बाद मैंने लिख दिया YASH, देन मैं वापस इसे शो कर देता हूँ, देख के वापस लिख देते 5-6-4-1-2-3-YASH। ओके, तो यहाँ पे ये मैंने पासवर्ड रख लिया है, ये मेरा ईमेल आईडी हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे से पूछा जाता है फोन नंबर, मेरा रिकवरी ईमेल आईडी, मेरा डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर। ओके, तो फोन नंबर अगर आप ये अपना पर्सनल अकाउंट बना रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका परमानेंट ईमेल आईडी बने, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं एक ऐसा मोबाइल नंबर डालें जो एक्टिव मोबाइल नंबर हो और आप उसे बंद ना करें, अपना पर्सनल मोबाइल नंबर इधर डालें कि इन फ्यूचर कभी आपको उसकी जरूरत पड़ती है ईमेल आईडी की एंड पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो इस मोबाइल नंबर की मदद से आप उसे रिकवर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ऑप्शनल में ही आ जाता है ईमेल आईडी, अगर आपके पास ऑलरेडी एक ईमेल आईडी है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ रिकवरी में उस ईमेल आईडी को डाल दीजिए,
कि इन केस अगर आप ये वाली ईमेल आईडी को भूल जाते हैं तो उस रिकवरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की मदद से आप इसका पासवर्ड वापस से रिकवर कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे आपको डालनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल देते हैं, रैंडम 05 July 1991 डाल देते हैं। ओके, एंड आपको यहाँ पे पर्सनल अपनी रियल डेट ऑफ बर्थ ही डालनी है। यहाँ पे मैं एक डेमो अकाउंट बना रहा हूँ इसलिए मैं रैंडम कुछ भी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर रहा हूँ। देन उसके बाद नीचे आ जाता है सेंडर, तो सेंडर में आपको मेल, फीमेल या फिर रेदर नॉट से कुछ भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मेल कर देता हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। तो बेसिकली अब यहाँ पे आ चुका है हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशन, कि कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन है गूगल की उसका अपना ईमेल आईडी देने के लिए। तो यहाँ पे सभी टर्म्स कंडीशन है, आप इन सभी को रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपको टर्म्स कंडीशन अच्छी लगती हैं, आप एग्री हो जाते हैं कि हाँ मैं इन टर्म्स कंडीशन के साथ अपना अकाउंट बनाने के लिए तैयार हूँ, तो आप एग्री के ऊपर क्लिक कर दीजिए। मोस्टली यहाँ पे कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पड़ता है, सब नीचे स्क्रॉल डाउन करके एग्री के ऊपर ही क्लिक कर देते हैं। ओके, एंड एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोसेस होगा, आपको 20 से 30 सेकेंड के बीच में भी टाइम लगेगा, आपका जो ईमेल है वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, फर्स्ट यूजर्स के लिए जो ईमेल है वो क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं अब मेरा ईमेल क्रिएट हो चुका है एंड मेरे पास एक गूगल कम्युनिकेशन की तरफ से एक मेल भी आ चुका है कि यस वेलकम टू गूगल, योर न्यू अकाउंट कम टू एक्सेस गूगल प्रोडक्ट ऐप एंड सर्विस, हियर अ फ्यू टिप टू गेट यू स्टार्टेड। तो यहाँ पे गूगल अकाउंट भी बन चुका है एंड गूगल की मुझे फ्री सर्विसेज भी मिल चुकी हैं। फ्री सर्विसेज में मेरे पास क्या है, यूट्यूब है, गूगल सर्च है, मैप है एंड प्ले स्टोर को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, गूगल न्यूज को एक्सेस कर सकता हूँ, जीमेल को एक्सेस कर सकता हूँ, वहाँ पे अपने कॉन्टेक्ट तक को सेव कर सकता हूँ मैं। एंड मेरे पास एक ड्राइव मिल जाती है जिसका स्टोरेज मेरे को 15 GB तक मिल जाता है, तो मैं अपना 15 GB तक का डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ। अगर उससे ज़्यादा मुझे डेटा स्टोर करना है तो वहाँ पे एक नॉमिनल कुछ मिनिमम चार्ज है गूगल का, उसे हमें पे करना पड़ता है। ओके, तो 15 GB बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो वहां तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा स्टोर करने की परमिशन देता है गूगल, सिर्फ आपका ईमेल आईडी बनाने के साथ ही। सो यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी हो चुका है रेडी, बन चुका है कंप्लीट। अब बात करते हैं इस ईमेल आईडी की, तो बेसिकली यहाँ पे ईमेल आईडी है, ईमेल जब भी हम क्रिएट करते हैं तो उसके बाद डेफिनेटली हम किसी को मेल भेजेंगे। तो अब मेल कैसे भेजते हैं, मेल भेजने के लिए सिंपल तरीका है, आपको यहाँ पे कंपोज के ऊपर क्लिक करना है। ओके, इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं, तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, एक मिलता है मिनिमाइज का, दूसरा मिलता है फुल स्क्रीन का एंड तीसरा मिलता है क्लोज का, तो ये कॉमन ऑप्शन है, तो हम इसे थोड़ा फुल स्क्रीन कर देते हैं ताकि अच्छे से हम इसे देख पाए। ओके, अब ईमेल आईडी में टू में हमें उस शख्स का ईमेल आईडी लिखना है जिसे हम मेल भेजना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अपने चैनल का ही ईमेल आईडी लिख देते हैं, kbtech.honor@gmail.com। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, ओके कॉम, ठीक है। एंड सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप मेल भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो मेल है वो मैं ऐसे डेमो मेल भेजना चाहता हूँ आपको दिखाने के लिए, तो यहाँ पे मैं डेमो लिख देता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है मेन कंटेंट आपके ईमेल का, तो आप ईमेल क्यों भेज रहे हैं, उसका कंटेंट क्या है, तो यहाँ पे आपको इन डिटेल ब्रीफ में बताना है कि आप मेल क्यों भेज रहे हैं। तो मेल की हमेशा स्टार्टिंग होती है या फिर हे सर, या फिर हे सामने वाले पर्सन का नाम, या फिर डियर, या फिर आप कुछ और लगाना चाहते हैं रिस्पेक्ट के लिए तो वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग रिस्पेक्टेड सर लगाते हैं, कोई हे सर लगाता है, कोई हेलो सर लगाता है, या फिर कोई डियर लगाता है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर दीजिए। उसके बाद अपना एक कंटेंट वहाँ पे टाइप कीजिए कि आपने ये मेल क्यों भेजा है, एंड लास्ट में जब आपका मेल ख़त्म हो जाए तो वहाँ पे रिगार्ड्स आप लिख सकते हैं, रिगार्ड्स एंड थैंक्स, तो आप ऐसा कर सकते हैं, उसके नीचे आपको अपना नाम लिख देना है, ठीक है। तो इस टाइप से आप मेल भेज सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे रैंडम हम कुछ भी टाइप कर देते हैं, मैंने यहाँ पे हे लिख दिया, उसके नीचे हम कुछ भी रैंडम टेक्स्ट टाइप कर देते हैं, ऐसे सैंपल टेक्स्ट मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, ओनली के। ओके, तो यहाँ पे सपोज मेरा मेल खत्म हो गया, उसके बाद यहाँ पे मुझे लिखना है रिगार्ड्स एंड थैंक्स, या फिर उल्टा भी लिख सकते हैं थैंक्स एंड रिगार्ड, या फिर ग्रेट रिगार्ड, या फिर ग्रेट थैंक्स, उसके नीचे आपको अपना बस नाम लिख देना है। तो यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया यस शर्मा, ओके यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक शर्मा, ओके
देन उसके बाद सिंपली आपको सेंड के ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे बात करते हैं इन टूल की, मेल भेजने से पहले एक बार ध्यान रखिए आपके मेल में कोई गलती ना हो, क्योंकि हम मेल भेजते हैं किसी प्रोफेशनल काम के लिए, तो प्रोफेशनल काम में मिस्टेक होती है तो बेसिकली मुझे तो पसंद नहीं आता है, एंड उम्मीद करता हूँ आपको भी ऐसी मिस्टेक पसंद ना आती हो कि आपके कोई भी ऑफिशियल काम में किसी ईमेल में थोड़ी मिस्टेक की वजह से अड़चन आ जाए। तो बेसिकली मुझे पसंद नहीं आती, आपको भी नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं इनको, एंड इसके बाद यहाँ से आप इसके फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ, यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ आपको जीमेल में फॉन्ट मिल जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल 11 फॉन्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। जो फॉन्ट आप जिस फॉन्ट में ईमेल भेजना चाहते हैं उस फॉन्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है एक अंडू एंड रेडू का बटन, तो जिसकी मदद से कोई भी किया हुआ टास्क को आप अंडू कर सकते हैं एंड अंडू किए हुए टास्क को आप रेडू भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है साइज का ऑप्शन कि आपके जो टेक्स्ट है उसकी साइज कितनी रखनी है, स्मॉल, नॉर्मल, लार्ज या फिर ह्यूज, मतलब एक्स्ट्रा लार्ज। तो नॉर्मल टेक्स्ट अच्छे रहते हैं प्रोफेशनल ईमेल के लिए, लार्ज और ह्यूज लार्ज मत ही यूज किया कीजिए आप प्रोफेशनल ईमेल के लिए, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उसे आप बोल्ड कर दीजिए अपने मेल में। बोल्ड कैसे करें, यहाँ पे ये रहा बोल्ड का आइकॉन। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज मेरी बोल्ड हो चुकी है, लेकिन इस वाले टेक्स्ट में मुझे अच्छे से दिख नहीं रहा। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज मेरी बोल्ड हो चुकी है। ओके, इसी टाइप से किसी भी चीज को इटैलिक करना हो तो इधर से इटैलिक कर सकते हैं, किसी भी चीज को अंडरलाइन करना हो तो यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है टेक्स्ट कलर, तो किसी भी चीज का बैकग्राउंड में कलर रखना हो तो बैकग्राउंड कलर भी आप रख सकते हैं, एंड उस टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो टेक्स्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें बैकग्राउंड कलर भी है एंड टेक्स्ट कलर भी है। ओके, बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, टेक्स्ट कलर यहाँ से सिलेक्ट किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अलाइन, अलाइन सेंटर, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड जैसा आप करना चाहें, बेसिकली लेफ्ट साइड ही रखिए, लेफ्ट साइड प्रोफेशनल लुक देता है। उसके बाद पॉइंटिंग आप देख सकते हैं, नंबर लिस्ट दे सकते हैं या फिर बुलेट भी आप दे सकते हैं, बुलेट लिस्ट भी दे सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे इंडेंट आपको लगाना हो, जैसे कि कोई भी हम पैराग्राफ या कोई भी अपना सेंटेंस शुरू करते हैं तो वहाँ पे हम इंडेंट ऐड करते हैं, तो ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, लेस करने के लिए, निकालने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, देन उसके बाद अगर कोई क्वेट है यहाँ पे लिखी है तो उसके ऊपर आप यहाँ पे ऊपर वाले जो कॉलन टाइप क्वेट आते हैं उन्हें आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू, जैसे कि आपने मेरी ये पीपीटी में देखा होगा कि इधर मैंने ये स्ट्राइक थ्रू लगाए हैं कि वो टेक्स्ट को पूरा ऐसे कट कर देते हैं, तो इस टाइप के स्ट्राइक थ्रू लगाने के लिए आपको उस वर्ड को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये वर्ड भी मेरा कट गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिमूव फॉर्मेटिंग, रिमूव फॉर्मेटिंग क्या करेगा कि जैसे मैंने कोई भी फॉर्मेटिंग की हो, जैसे इधर मैंने बैकग्राउंड, अंडरलाइन एंड कलर चेंज किया है, इसको मैं इतना सिलेक्ट करता हूँ, रिमूव फॉर्मेटिंग करता हूँ, तो मैंने जो भी इसमें चेंज किया था वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो ये नॉर्मली टूल है हमारे ईमेल के, उसके नीचे यहाँ पे आपको एक अटैचमेंट का टूल मिल जाता है जिसकी मदद से आपके कंप्यूटर में, आपके पीसी में कोई भी फाइल हो जिसे आपको मेल के साथ भेजनी हो तो यहाँ से उसे आप अटैच कर सकते हैं। आपको सिंपली क्लिक करना है एंड उस फाइल को यहाँ पे अटैच कर देना है। देख रहे हैं आप यहाँ पे फाइल अटैच हो रही है, 681 KB की है, उसका साइज भी यहाँ पे दिखाता है, उसका नाम भी दिखाता है। ओके, तो यहाँ पे ये फाइल हो चुकी है अटैच। तो अटैच करने के बाद सिंपली आप इसे सेंड कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको मिल जाता है इंसर्ट लिंक, अगर कोई लिंक है तो उसे भी इंसर्ट कर सकते हैं, कोई इमोजी आपको इंसर्ट करनी है वो भी कर सकते हैं, कोई गूगल ड्राइव की आपकी फाइल है तो उसे भी इंसर्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली एंड लिंक के थ्रू भी इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आपको ईमेल में कोई फोटो लगानी हो, यहाँ पे जो फोटो मैंने लगाई है वो मैंने अटैच की है, अगर आप चाहते हैं ईमेल में आपकी कोई फोटो दिखे, अब वो कैसे दिखते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्लिक किया फोटो एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ एल्बम खुल रहा है, सिलेक्ट फ्रॉम योर डिवाइस, सिलेक्ट फ्रॉम माई डिवाइस पे क्लिक किया मैंने, उसके बाद मैं यहाँ पे इस फोटो के ऊपर क्लिक कर दिया, तो अब बेसिकली यहाँ पे मेरी जो फोटो है वो अपलोडिंग हो रही है एंड अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी ये फोटो अपलोड हो चुकी है, जहाँ पे मैंने क्लिक किया था वहां पे मेरी फोटो अपलोड हो चुकी है। ठीक है, तो इस टाइप से आप यहाँ पे फोटो अपलोड कर सकते हैं, कुछ कॉन्फिडेंशियल है तो उसे यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं एंड यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर इंसर्ट करना है तो सिग्नेचर भी इंसर्ट कर सकते हैं। सिग्नेचर इंसर्ट करने के लिए पहले आपको वहाँ पे अपना सिग्नेचर ऐड करना पड़ेगा। सिग्नेचर बेसिकली कुछ नहीं है, आप अपनी पोस्ट, अपना नाम एंड बाय डिफॉल्ट कुछ अपना लगाना चाहते हैं सिग्नेचर में तो लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई नेसेसरी नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं उस चीज को। ओके,
एंड सब काम होने के बाद यहाँ पे आपको सेंड के ऊपर दबा देना है। सेंड के साइड में आपको मिल जाता है मोर ऑप्शन। मोर ऑप्शन में मिलता है शेड्यूल सेंड, मतलब आपको किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे मेल भेजना है तो यहाँ पे आप शेड्यूल कर सकते हैं उस मेल को कि आपने सोचा है कि ये 31 अक्टूबर को सुबह 10 बजे सर के पास ये मेल पहुंचना चाहिए, तो सेम मैं 31 अगस्त सुबह 10 बजे का यहाँ पे टाइम सेट कर दूंगा। इंस्टेंटली आप भेजना चाहते हैं तो बस आपको सेंड के ऊपर दबाना है, इंस्टेंटली पहुंच जाएगा। एंड शेड्यूल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। अभी मैं इंस्टेंटली इसे भेजना चाहता हूँ, इंस्टेंट इसे भेजना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली सेंड के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल सेंडिंग एंड मेल सेंड, मेरे पास 5 सेकंड का टाइम है, मैं इस मेल को अंडू कर सकता हूँ। 5 सेकंड तक मैंने नहीं किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडू का ऑप्शन मेरे पास चला जाता है, ठीक है। देन यहाँ पे व्यू मैसेज के ऊपर क्लिक करके मैं अपना मेल देख सकता हूँ कि मैंने क्या मेल उनको भेजा है। सो यहाँ पे ये मेरा मेल है, ये एक फोटो लोडिंग हो रही है, फोटो मैंने मेल के अंदर लगाई है एंड यहाँ पे एक फोटो है जो मैंने अटैच करके भेजी है, ठीक है। तो इस टाइप से आप कोई भी मेल सेंड कर सकते हैं। अब मेल में एक बात आती है एरर की। अब एरर क्या होता है कि बेसिकली हम कभी मेल यूज करते हैं, चाहे अपने एंड्रॉयड मोबाइल में करें, iOS में करें या फिर अपने लैपटॉप में करें, जब आपसे गलती से यहाँ पे आर्काइव के ऊपर क्लिक हो जाता है तो आपका जो मेल है वो यहाँ से अटकिव हो जाता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है। तो अब कहाँ जाता है किसी को नहीं पता। अंडू करने के लिए 5 सेकंड ही मिलते हैं, 5 सेकंड में अंडू कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज वो मेल गायब हो जाता है। तो इसको हम वापस कैसे लेके आए, तो चलिए वापस हम इसे आर्काइव करते हैं एंड यहाँ पे से हम कर देते हैं क्लोज। अब मेरा यहाँ से मेल गायब हो चुका है, अब मुझे मेल कहाँ मिलेगा। मोस्टली बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, मेरे चैनल पे आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी एंड इसमें भी उसका सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ। आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ से इस बटन से इसको मिनिमाइज कर देना है एंड यहाँ पे पूरे ऑप्शन ओपन करने हैं, ऑल मेल के ऊपर आपको क्लिक करना है। ऑल मेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कोई भी मेल हो, आपका आर्काइव किया हुआ हो, आपका सेंड किया हुआ मेल हो, किसी भी टाइप का मेल हो, सभी मेल यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये गूगल कम्युनिकेशन वाला मेल था वो यहाँ पे आ चुका है, तो इसे मुझे ओपन करना है एंड इसके बाद मुझे यहाँ पे मिल जाएगा सेंड मूव टू इनबॉक्स। ओके, तो मूव टू इनबॉक्स के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये मेल मेरा इनबॉक्स में पहुंच चुका है, मतलब वापस ये आ चुका है। तो इस टाइप से आप आर्काइव किए हुए मेल को वापस से रिकवर कर सकते हैं एंड ईमेल आप कैसे बना सकते हैं, इंटरनेट का क्या यूज होता है एंड कैसे किसी को मेल भेज सकते हैं, ये सभी हमने आज की ADCA की क्लास नंबर 4 में सीखा है। ओके, तो यहाँ पे क्लास नंबर 4 अब खत्म करते हैं हम। हमारा इंटरनेट एंड ईमेल का भी टॉपिक हो जाता है खत्म, इस पर भी हम लगा देते हैं स्ट्राइक थ्रू। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।